हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। नेक्स्ट इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाइट प्लास्टर मोल्ड। व्हाइट प्लास्टर मोल्ड को अलग अलग तरीके की फंगस इफेक्ट करती है, कॉज करती है, और ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर फंगस हैं जो कि हमारे कंपोस्ट में ग्रो करती हैं इंस्टेड ऑफ एगेरिकस बायोस्पोरस माइसीलियम। आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में व्हाइट प्लास्टर मोल्ड। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, व्हाइट प्लास्टर मोल्ड जो कि एक कॉम्पिटिटर फंगस है, और ये कब अपीयर होता है? ड्यूरिंग बटन मशरूम कल्टीवेशन। अब इसमें एक तरीके की फंगस नहीं है जो इसे कॉज करती है। देयर आर नंबर ऑफ फंगस, नियर अबाउट 3 से 4 अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जेनरा की फंगस हैं जो इसे कॉज करती हैं। सबसे पहले है बट्रायोट्राइकियम प्लूलिफेरम, पेप्यूलास्पोरा, पाइसीनिया, स्कोप्यूलरियोपसिस, ब्रेविकोलिस, स्कोप्यूलरियोपसिस फेमिकोला, और लास्ट है ट्राइकोथीकियम रोजियम। सो व्हाइट प्लास्टर मोल्ड जो सबसे ज्यादा कॉज करती है वो स्कोप्यूलरियोपसिस फेमिकोला है जो सबसे ज्यादा ये कॉज करती है, और ये बेसिकली फेज टू में ही अपीयर हो जाती है। जब फेज टू होता है तभी ये अपीयर हो जाती है, और आफ्टर स्पॉनिंग, जब आप स्पॉनिंग कर देते हो, इसकी एरियल ग्रोथ डिसअपीयर हो जाती है और जो वाइट इसका कह लो स्पोरुलेशन स्टेज है वो अपीयर हो जाती है, और सारा का सारा जो जहां पे ये पैच बनता है वहां पे आपको ऐसा नजर आएगा जैसे आटा बिखेरा हुआ है, ये जैसे फ्लोर बिखरा हुआ है या आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस बिखेरा हुआ है, ऐसा आपको कंपोस्ट के ऊपर नजर आएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मोस्टली जितना भी आपके चाहे वो ब्राउन प्लास्टर मोल्ड है, चाहे व्हाइट प्लास्टर मोल्ड है, चाहे येलो मोल्ड है, ये सब पैचेस बनाते हैं कंपोस्ट के ऊपर। ये कह लो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ये पैचेस में आपको कहीं ना कहीं पैच आपको इसके नजर आएंगे। सो ऐसे ही इसका पैच भी हमें नजर आता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा व्हाइट पोर का पैच नजर आएगा जो आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करेगा भी ये आपका माइसीलियम नहीं है, यानी कि आपका माइसीलियम, मेरा कहने का मतलब है आपके मशरूम का माइसीलियम नहीं है। और ये मोल्ड बेसिकली केसिंग के थ्रू भी ऊपर आ सकती है, जो आपका केसिंग मटेरियल है उसके थ्रू भी ये मोल्ड सरफेस के ऊपर अपीयर हो सकती है। बाकी जो दूसरी फंगस है इसमें अदर वैराइटीज है वो भी सेम मॉर्फोलॉजी रखती है इसकी तरह ही, बट मशरूम के जो कंपोस्ट है, मशरूम जो आपका मशरूम कंपोस्ट है उसके ऊपर बाकी भी ग्रो करती हैं, बट उनका जो कह लो करेक्टरिस्टिक है थोड़ा सा स्कैबरोप्सिस फेमिकोला के अलग है। जैसे कि फेमिकोला आपको क्लियर वाइट देता है, बट ट्राइकोथीकस प्लूलिफेरम आपको टैन बफ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, और जो ट्राइकोथीकियम रोजियम है ये रोज पिंक टिंट का फॉर्म करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नियरली क्या है, व्हाइट के आसपास के ही कलर हैं जो आपको अपीयर हो जाएंगे, तो ये सारे व्हाइट प्लास्टर मोल्ड के अंदर ही अपीयर होते हैं। नाउ ये बेसिकली ये मोल्ड अपीयर कब होता है, जब आपकी कंपोस्ट इनसफिशियंटली नाइट्रोजन प्रॉपरली कन्वर्ट या इनसफिशियंटली नाइट्रोजन कन्वर्ट हुई हो, यानी कि प्रॉपरली कन्वर्जन ना हुआ हो नाइट्रोजन का फेज वन में या फेज टू में, तो आपकी ये मोल्ड अपीयर होगी ही होगी। सो इसका प्रिवेंशन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एक बार आपके फार्म पे या आपकी कंपोस्ट में जो मोल्ड ग्रो कर गई, इसका मतलब आप उसको सिर्फ स्पोरुलेट स्टेज पे देख रहे हैं, मतलब वो ग्रो होने के बाद जब वो स्पोर प्रोड्यूस करती है आपको तभी वो नजर आती है, उससे पहले हमें नजर नहीं आती। तो जितना उसने इफेक्ट करना होता है वो कर चुकी होती है, उससे ज्यादा लॉस हम अपने मेंटेनेंस के और ना करके उसके ज्यादा लॉस हम ले लेते हैं। वो कैसे, मान लीजिए जहां पे पैच बना है, अगर आप उस पैच को बेयर हैंड से उठा के फेंकने की कोशिश करते हैं तो आपका लॉस, क्योंकि वो स्पोर्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके पूरे ग्रोइंग रूम में और वो ज्यादा लॉस कर देंगे। कहने का मतलब ये है भी आपको कल्चर प्रैक्टिस क्या करना है, जब आप ग्रोइंग रूम में आपका ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, सॉरी व्हाइट प्लास्टर मोल्ड अगर अपीयर हो रहा है, तो उस बैग को ना छेड़ते हुए उस बैग को क्लोज करके आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ना कि वहीं से ही कंपोस्ट को उठा के लेके आए।
क्लियर, पहली कल्चर प्रैक्टिस तो ये है। दूसरा, आप अपनी नाइट्रोजन कंटेंट जो आपका फेज टू या फेज वन में जो आपका कंपोस्टिंग प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव करें, ताकि जो आपकी नाइट्रोजन है वो सफिशियंटली कन्वर्ट हो जाए ऑर्गेनिक या बाउंड हो जाए ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, ताकि हमारे इस मोल्ड को एज अ फूड अवेलेबल ना हो। ज्यादातर ज्यादा ये हमारे नाइट्रोजन सोर्स से ही आपके कंपोस्ट में अपीयर होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर शेयर कर दीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।